सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह आपको कक्षा 11 विषय हिंदी उप विषय काव्य शीर्षक भ्रमर गीत रचयिता महाकवि सूरदास भाग पाँच जो है वह आपको जो पहले पढ़ाए हुए हैं भ्रमर गीत सार के दृष्टिकूट पदों को, और यह भ्रमर गीत सार का ऐसा दृष्टिकूट पद है जिनमें वर्णन यह है कि प्यारे बच्चों, वर्णन यह है कि जब कन्हैया मथुरा चले गए हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आँखों में बरसा ऋतु आ गई है। जो है देखिए, यह वर्णन दृष्टिकूट पदों का, क्योंकि महाकवि सूरदास जी ने जो है इसमें गोपी क्या कहती है, आइए यह झांकी देखिए। आइए, काव्यगत शैली में हम आपको बताने जा रहे हैं। निसदिन बरसत नैन हमारे, निसदिन बरसत नैन हमारे, असदा रहती बरसारी तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अद्रिगयंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। अकंचुकी पट सुखत नाही, उरवि च बहत पनारे। आशु सलील सबे भई काया, पलन जात ऋषि तारे। असुर दास प्रभु यहे परे खो, गोकुल कहे बिसारे। देखिए प्यारे बच्चों, गोपी कहती क्या है कि निसदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती बरसार तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अद्रिगयंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। अकंचुकी पट सुखत नाही, उरविच बहत पनारे। आशु सलील सबे भई काया, पलन जात ऋषि तारे। असुर दास प्रभु यहीं परे को, गोकुल काहे बिसारे। देखिए गोपिया कहानी कहना क्या चाहती हैं कि निसदिन बरसत नैन हमारे। हे उद्धव जी, मेरी आंखों में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की भांत हमारी आंखें बरस रही हैं। हे उद्धव, जब कन्हैया मथुरा गए ना, तब से हमारी आंखों में वर्षा ऋतु है। निसदिन बरसत नैन हमारे, प्रत्येक दिन हमारी आंखों से जो है अश्रु की वर्षा होती रहती है। हे उद्धव, जब से
वह नंद नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मथुरा चले गए, हमारी आंखों में वर्षा ऋतु बनी ही रहती है। निशदिन बरसत नैन हमारी, हे उद्धव मेरी आंखें जो है ना वह निरंतर वर्षा ऋतु की भांति बरसती रहती है। और जब से कन्हैया मथुरा चले गए ना तो हमारी आंखों में वर्षा ऋतु बनी ही रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। ऐ उद्धव जी जब कन्हैया, हे उद्धव जब कन्हैया मथुरा चले गए तो सदा हमारी आंखों में हमारी नेत्रों में वर्षा ऋतु बनी ही रहती है। अद्रिग अंजन न रहत निशिवासर कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, कर कपूर कह रही हैं कि सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। जो है जब से कन्हैया मथुरा चले गए, हे उद्धव जी हे उद्धव जब से कन्हैया मथुरा चले गए तो सदा हमारी आंखों में वर्षा ऋतु बनी ही रहती है, वर्षा ऋतु बनी ही रहती है। फिर कहते हैं कि दृग अंजन न रहत निशिबासर कर कपोल भय कारे, कहते हैं कि मेरी आंखों में जो काजल लगाती दृग अंजन, जब हम आंखों में काजल लगाती हैं न रहत, वो एक पल भी रहता नहीं है, रात हो या दिन हो एक पल भी रुकता नहीं है। उस अश्रुओं से बहकर हमारे गाल, और जब उस अश्रुओं को हम पोछती हैं तो हमारे गाल हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं। देखिए दृग अंजन न रहत निशिवासर, अंजन मने काजल, दृग मने नेत्र। कहती है कि हे उद्धव जब अपने युगल बड़े नेत्रों में, कमलवत नेत्रों में जब हम गोपियां काजल लगाती हैं ना, हे उद्धव जी जब हम गोपियां अपने आंखों में काजल लगाती हैं ना तो जो है वह एक भी पल, तो जो है वह एक भी पल रुकता नहीं है, न दिन हो या रात हो जो है। और उस अश्रु को जब हम पोछते हैं तो हमारे कर मने हाथ और गाल यह दोनों काले हो जाते हैं। जो है कहती है कि कंचु की पट सूखत नाही, कंचु की पट सूखत नाही, कबहू रबिच बहत पनारे। कहती है कि हे उद्धव जी उस आंसुओं की धारा से जो है मेरी कंचुकी का अर्थ होता है चोली, अधोवस्त्र, वह सूखता नहीं है, पट मने वस्त्र, वह चोली का वस्त्र जो है वह सूखता नहीं है, और कभी उर्बिच बहत पनारे, और हृदयों के बीच से पनारे की भांति अश्रु की धाराएं वह निकलती हैं, पैनाले की भांति अश्रु की धाराएं वह निकलती हैं। कहती है कि जो है हमारी वह चूली के वस्त्र जो हैं वह सूखते नहीं हैं, कभी सूखते नहीं हैं, और उर्मने हृदय, हृदय के बीच से वह पैनाले की भांति अश्रु की धारा वह निकलती है। और आंसू सलील शबे भई काया अपलन जात रिसटारे, और आंसुओं से पूरी जो है शरीर हमारी जो है
वह क्या हो गए हैं? वह सलील करिए कि आंसू सलील सभे भई काया पल न जात ऋषि तारे। और कहती है कि आंसुओं से मेरे हृदय जो हैं वह शीतल हो गए हैं और वह एक पल भी आंसू जो हैं हटते नहीं हैं, वह रिसे हुए हैं, वे टालने से भी नहीं टलते हैं। हे उद्धव, मेरी आँखों से आंसू सलील सबे भई काया, और आंसुओं की अधिकता से मेरे हृदय जो हैं शीतल हो गए हैं और आंसू इतने रिस गए हैं कि वह हटते नहीं हैं, टलते नहीं हैं, उनकी अधिकता हो गई है। असुर दास प्रभु यहें परे खो गोकुल काहे बिसारे। और सूरदास जी कहते हैं, गोपिया कहती हैं, हे उद्धव, मेरे प्रभु नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज कन्दे आनंद कंते पर सुंदर मुकुंद माधव, उस कन्हैया से पूछना कि वह जो है गोकुल छोड़कर क्यों चले गए। वो पश्चाताप करती हैं कि गोकुल छोड़कर वे क्यों चले गए। देखिए, तो जो है क्या कहना चाहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। वह गोपी कहती है कि हे उद्धव जी, निरंतर मेरी आँखें वर्षा ऋतु की भांति बरसती रहती हैं, और जब से वह नंद नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर कन्हैया मथुरा चले गए ना, तब से जो है हमारे पर सदा वर्षा ऋतु बनी ही रहती है। और हे उद्धव जी, जब हम गोपियाँ अपने कमलवत आँखों में काजल लगाती हैं ना, तो न वह एक पल भी रुकता नहीं है, दिन या रात्र एक पल भी वह रुकता नहीं है। और हाँ, कर मने हाथ, कपूल मने गाल, हमारे हाथ और गाल जो है काले हो जाते हैं, वस्त्र की धारा बहती है, जब हम हाथों से उसे पोछते हैं तो हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं, एक पल भी वह हमारी आँखों का काजल रुकता नहीं है, दिन हो या रात हो, रात या दिन में, और मेरे हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत नाहीं कबहूँ उर्विच बहत पनाले। और जो है कहती है कि मेरे चोली का वस्त्र जो है वह कभी सूखता नहीं है, उन आंसुओं से मेरे चोली का वस्त्र जो है वह सूखता नहीं है, और हृदयों के बीच पैनारी की भांति जो अश्रु की धाराएं वह चलती हैं। और करिए कि आंसू सलील सबे भई काया, और शीतल आंसुओं से जो है हमारे हृदय जो है शीतल हो गए, और पल न जात ऋषि तारे, और एक पल भी वह हटते नहीं, रिसे रहते हैं, जो है उनको टाला नहीं जा सकता, वहाँ हमारे आंसू जो हैं एक भी पल टलते नहीं हैं, वह वहीं रिसे रहते हैं, बार बार वहीं रिसते रहते हैं। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम उस कन्हैया से कह देना। वो पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि उस कन्हैया से कह देना कि गोकुल को छोड़कर वे क्यों चले आए, वे गोकुल को छोड़कर क्यों चले आए। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें है निस्दिन बरसत नयन हमारे, एक बार और सुन लीजिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निरंतर हमारी आंखों से अश्रु की वर्षा होती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, कहती है हे उद्धव, निरंतर हमारी आंखों से वर्षा ऋतु होती रहती है। हे उद्धव जी, जब कन्हैया मथुरा चले गए, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, जब कन्हैया मथुरा को चले गए
तो हमारे पर सदा ही वर्षा ऋतु बनी रहती है। हे उद्धव, जब हम गोपियां अपनी आंखों में काजल लगाती हैं, रात्रि और दिन एक पल भी वह रुकता नहीं है, और मेरे हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं, और मेरा जो है कंचु की पट सूखत नहीं, कबहूँ उर्विच बहत पनारे, और मेरा चोरी का वस्त्र जो है वह सूखता नहीं है। और कहती हैं कि हृदयों के बीच से अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं, और कहती हैं कि वह आंसुओं की शीतलता से हमारी हृदय जो हैं वह अत्यंत शीतल हो गए हैं, और वह अश्रु जो है रिसा रहता है, एक पल भी टलता नहीं है। और कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम उस नंदन 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 यशोदा नंदन कन्हैया से कह देना। पश्चाताप करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, वह आप पूछिएगा कि वह गोकुल को छोड़कर क्यों चले आए, वह गोकुल को छोड़कर क्यों चले आए। गोकुल को छोड़कर क्यों चले आए। जैसे ही आज इतना ही, धन्यवाद।